इन अ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज स्टैंडर्ड डिविएशन कि हमारे साथ पॉपुलेशन में जितनी भी ऑब्जरवेशन होती है जितनी भी हमारे पास डेटा होता है तो उस डेटा को हम क्या करते हैं उस डेटा को हम स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का जो नॉर्मल कर्व है उसके ज़रिए लेकिन हमारे पास सैंपल में जो ऑब्जर्वेशन होती है इसी के सैंपल मीन में हमने जो एस्टिमेट किया होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की होती है तो उसको हम क्या करते हैं उसको हम सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं ठीक है थीके? तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये तो सिंपल बात है ठीक है एम सी क्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन है उसको हम किस चीज के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और सैम्पल में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम किस चीज के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नॉर्मल कर्व स्टैंडर्ड इरर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है हाँ जी बिल्कुल वही यूनिट वाला एग्जाम्पल एरर किसे कहते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड एरर इज द एक्सटेंट टू विच एन इस्टीमेट द डिस्ट्रीब्यूशन कैन वेरी गिवन अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज का स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर से मुराद ये है कि ये हमारे पास क्या होती है मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है साम्पल की तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं सो स्टैंडर्ड एरर ये हमारे पास वो एरर होता है जो कि हमने जो इस्टीमेट लगाया होता है हमने जो अंदाज़ा लगाया होता है तो उस अंदाजे के बिल्कुल आस पास जो है हमें वैल्यू देती है हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट करके देती है तो इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक है तो लेवल ऑफ़ कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं या कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्या मुराद है तो ये भी आपको अभी पता चल जाएगा ठीक है बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कॉन्फिडेंस इंटरवल की ठीक है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको हम सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है नाइन्टी फाइव परसेंट है एम सी क्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है नाइन्टी फाइव परसेंट है एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये अपने साथ नोट डाउन कीजिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड value of confidence interval is 95% the standard error shows the boundaries in which true means uh, might be located okay स्टैंडर्ड एरर हमें क्या करता है स्टैंडर्ड एरर हासिल में हमें एक रेंज बताती है हमें एक रेंज बताती है और उस रेंज से हमें ये पता चलता है मिसाल के तौर पर यह एक नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है ये मीन है और ये आपके पास टू पॉइंट है तो ये टू पॉइंट एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये आपके पास क्या है ये आपके पास रेंज है ठीक है रेंज है तो ये रेंज आपको ये रिप्रेजेंट करती है ये बात जो है आपको बताती है कि जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पर जो है मौजूद है तो स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताती है ठीक है ट्रू मैन ट्रू वैल्यू के आसपास जो पॉइंट है उसके बारे में आपको निशानदेही करती है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है आ, वो ट्रू वैल्यू जो है आपके इस रेंज के अंदर आसपास कहीं ना कहीं पर मौजूद है आई हुई है ठीक है या आती है तो इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं सर ट्रू वैल्यू वो होगी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी और स्टैंडर्ड एरर वो होगा जो उन दोनों के درمیان कोई भी रेंज हो सकती है हाँ जी बिल्कुल देखिए मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट में ही बताया था कि अगर हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो पॉपुलेशन को हम एकदम से कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल्स जो है वो बनाने होंगे और उस सैंपल्स के फिर हर एग साम्पल का हमें मीन निकालना होगा और तमाम सैंपल के मीन निकालने के बाद उसको कैलकुलेट करके उसकी कैलकुलेशन करके उसका जो

जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो so, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हमें दो पॉइंट ऐसे बताती है जिसके जरिए हमें ये डेटा मिलता है कि जो ट्रू वैल्यू है ये इस दो पॉइंट के दरमियान में कहीं ना कहीं पर मौजूद है तो इस, इसको हम क्या कहते हैं इसको हम स्टैंडर्ड इस प्रू को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं और जो दो पॉइंट होते हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देती है ठीक है एक जगह से ये इस जगह से दूसरी जगह तक का जो आ, एरिया है इसको हम क्या कहते हैं इंटरवल कहते हैं ठीक है पॉइंट इंटरवल कहते हैं इसको, इंटर्वल। इंटर्वल कहते है इसको. अच्छा जी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है इसके जरिए आप लोगों को अब आसानी हो जाएगी समझने में अच्छा जी सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपको बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल किसे कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल असल में उस रेंज को कहते हैं जिसके अंदर असल वैल्यूज आती है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या है ये आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है ये आपके पास टेन है ठीक है ट्रू वैल्यू मिसाल के तौर पर टेन है और ये आपके पास एलेवन आया है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है नाइन आया है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से मुराद ये है मिसाल के तौर पर यह आपके पास क्या है एक इंटरवल हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल असल में ये वो रेंज होती है ठीक है जिसके ज़रिए आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पर जो है मौजूद है ठीक है कहीं ना कहीं पर आपकी जो असल वैल्यू है इस रेंज के अंदर मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं डिफिनीशन इसकी आप कैसे करेंगे डिफिनीशन इसकी आप ऐसे करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ द रेंज

कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आपके पास क्या हो सकती है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आपके पास नाइन्टी के बराबर भी हो सकती है ठीक है नाइन्टी के बराबर नाइन्टी परसेंट के बराबर भी हो सकती है नाइन्टी फाइव परसेंट के बराबर भी हो सकती है ठीक है और नाइन्टी नाइन परसेंट के बराबर भी हो सकती है लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कॉन्फिडेंस इंटरवल का तो वो क्या है नाइन्टी फाइव परसेंट है ज़्यादातर नाइन्टी फाइव परसेंट जो है कॉमनली यूज़ होता है ठीक है कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो नाइन्टी फाइव परसेंट कॉमनली यूज़ होती है एम सी की हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल की हम पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू मालूम करना चाहते हैं सैंपल्स के जरिए तो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू okay. के बारे में हमें क्या करती है इंफॉर्मेशन देती है डिफिनेशन इसकी ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन लाइज कॉन्फिडेंस इंटरवल ठीक है अच्छा जी इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस डिफ्रेंस जो हमारे पास जो डिफ्रेंस आया हुआ होता है ठीक है तो इस फर्क को जितना हो सके हम कम करें तो इस फर्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर जो ग्राफ आया है ठीक है कॉन्फिडेंस इंटरवल ये मीन आपके पास ट्रू मीन जो है मतलब ये आपके पास ट्रू वैल्यू है अब एक वैल्यू आपके पास ट्रू वैल्यू से आगे आ गई है ज़्यादा आ गई है एक कम आ गई है तो ये फ़र्क हो गया ना तो इस फर्क को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इस डिफरेंस को कम करते करते हमारे जो सैम्पल वैल्यू होती है उसको बिल्कुल ट्रू मीन के करीब ले आती है तो इस वजह से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को क्या करते हैं यूज़ करते हैं ठीक है थीके? समझ आ गई जी जी सर अच्छा जी, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं कहते हैं कि डेटा ऑफ द पॉपुलेशन हमारे पास डेटा दिया गया है, है? One, जी जी। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसके जरिए हम स्टैंडर्ड जो एरर है मतलब उसको हम खत्म कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल उसको हम रिमूव कर सकते हैं उस एरर को हम ख़त्म कर उस फ़र्क को हम ख़त्म कर सकते हैं एरर से क्या मुराद है एरर से मुराद फ़र्क है ठीक है वैल्यूज में जो फ़र्क आया हुआ होता है तो उस फ़र्क को कम से कम करने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हैं ट्रू वैल्यू कौन सी है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन की वैल्यू आपके पास कोई भी हो सकती है ठीक है मिसाल के तौर पर आपको दी गई होगी कि फिफ्टी uh, परसेंट जो है ये आपके पास जो है मतलब पॉपुलेशन है तो अब अगर आप पॉपुलेशन का डेटा निकालना चाहते हैं तो आप नहीं निकाल सकते तो इसलिए आप पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल बनाएंगे ठीक है और उस सैंपल के अलग अलग मीन निकालेंगे और फिर उसी तरह से कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल के उसके ज़रिए आप पॉपुलेशन की जो मीन है उसके आस पास आएंगे फिर जो डिफरेंस आया हुआ होता है फिफ्टी और आपके साम्पल मीन के दरमियान मिसाल के तौर पर ट्रू वैल्यू फिफ़्टी है और ठीक है तो अब इस फाइव परसेंट डिफरेंस को कम करने के लिए इसको मज़ीद इसमें फ़र्क को कम करने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल नाइन्टी फाइव परसेंट जो है ये हमारे साथ स्टैंडर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं इसका फार्मूला भी आने वाला है तो वो भी आपको पता चल जाएगा आगे स्लाइड्स में ठीक है सो so, यहाँ पर आप देख के पॉपुलेशन डेटा आपको दिया गया है वन टू फाइव तक आपके पास क्या है डेटा है इसकी अगर हम मीन निकालते हैं तो सिंपल है पॉपुलेशन मीन आपको पता है सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ठीक है सो या टोटल आपके पास जो uh, क्या आए होते हैं टोटल नंबर आए होते हाँ जी बिल्कुल इवेंट तो वन प्लस टू क्या आ गए थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन और टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो फिफ्टीन को आप फाइव से डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा थ्री थ्री आपके पास मीन आ गया इफ वी प्लॉट डीज वैल्यूज इन अ बार चार्ट अगर इन वैल्यूज को हम बार चार्ट में पुट करें तो हमारे पास वन एक टाइम आए आया है इसलिए हमने वो एक टाइम एक जो क्या कहते हैं ब्लॉक बना दिया टू भी वन टाइम आया है इसी तरह से टू भी किया थ्री वन टाइम आया है इसलिए हमने थ्री भी इस तरह से एक दफ़ा किया फोर भी और फाइव भी तो हमारे पास बार चार्ट जो है कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा इट लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप इसकी मालूम करें तो स्टैंडर्ड डिशन का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है कि सम ऑफ एक्स इंडिविजुअल माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन तो ये आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिशन फार्मूला है ठीक है तो आगे चलते हैं इसको अब हम मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं सो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा जी जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम की मीन तो हमारे पास पॉपुलेशन की थ्री आए स्टैंडर्ड डिशन हमारे पास पॉपुलेशन की वन पॉइंट सिक्स आए ठीक है सो लेट टेक ऑल पॉसिबल साम्पल साइज एंड टू ठीक है कहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है मतलब वन से लेकर टू तक फाइव तक का जो डेटा है इसके हम सैंपल्स बनाते हैं ये पॉपुलेशन डेटा था तो अब पॉपुलेशन से हम छोटे छोटे सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल में दो दो लोग होंगे ठीक है सैंपल साइज जो है वो क्या होगी टू होगी तो यहाँ पर आपके पास डेटा है वन टू थ्री फोर फाइव सो तो अगर हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब वन को हम टू से भी करेंगे थ्री से भी करेंगे फोर से भी करेंगे फाइव से भी करेंगे इसी तरह से टू थ्री टू फोर टू फाइव फिर थ्री फोर थ्री फाइव फिर फोर फाइव तो यहाँ पर देखिए वन टू हो गया वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स बिल्कुल वही मेथड है जो कि यूनिट नंबर फाइव में किया अब इन सारों का हम क्या करेंगे वन प्लस टू थ्री हो गए थ्री डिवाइडेड बाई टू हमारे पास मीन आ गया इसका वन पॉइंट फाइव One plus three, four हो गया, four divided by two. आपके पास मीन आ जाएगा two, two the four, तो two हमने लिखा है One plus four, five हो गया, five divided by two, तो इसका मीन 2 .5 आ गया इसी तरह से इन सारों के मीन हमने निकाले ठीक है और फिर इन सारों के मीन्स को हमने एड किया टोटल हमारे पास कितने सैंपल है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस सैंपल है ठीक है तो जब हमने इसको ऐड किया और फिर टेन पर टेन पर हमने क्या किया इसको डिवाइड किया टोटल हमने ऐड किया तो थर्टी आया थर्टी को टेन पर डिवाइड किया तो थ्री आया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल मीन है वो भी बिल्कुल थ्री के बराबर है जो कि पॉपुलेशन के मीन के बिल्कुल सेम है पॉपुलेशन मीन कितने के बराबर आया था थ्री के आया था ना तो यहाँ पर आपके पास सैंपल भी वही थ्री आ गया है तो यहाँ से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पॉपुलेशन से जब हम जो सैंपल लेते हैं जब हम उसके बहुत सारे सैंपल बनाते हैं तो उस सैंपल्स की जब हम मीन निकालते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे पास वही आंसर आता है जो कि पॉपुलेशन मीन से आया हुआ होता है सो so, इसकी अगर हम ग्राफ देखें इसकी अगर हम ग्राफ बनाए ठीक है तो यहाँ पर हमारे साथ ग्राफ कैसे आएगा अगर हम यहां पर देखें 1.5 हमारे साथ कितने टाइम आया है 1.5 वन टाइम आया है तो इसलिए हमने एक ब्लॉग जो है बनाया टू कितने टाइम आया है टू टाइम्स आया है ठीक है ये देखे टू भी अच्छा जी टू भी एक टाइम आया है इसलिए हमने एक ब्लॉग बनाया है फिर आपके पास जो 2.5 है दो दफा नहीं नहीं दो दफा नहीं आया एक दफा एक दफा आया है, आया है. ये ऊपर देखिए अच्छा वो टू टाइम्स हाँ, आपके पास आया है एक ये है और एक ये है तो इस वजह से हमने यहाँ पर टू ब्लॉग जो है ये बना दिए इसी तरह से आप अगर देखें थ्री को तो थ्री भी आपके पास कितने टाइम्स आया है थ्री भी आपके पास एक ये है और एक ये है टू टाइम्स आया है तो इसलिए हमने थ्री के भी टू ब्लॉग बना लिए इसी तरह से अगर बाकी को देखें तो थ्री पॉइंट फाइव भी टू टाइम आया है फोर वन टाइम आया है फोर पॉइंट फाइव भी वन टाइम आया है तो अब अगर इन सारे ग्राफ के इन सारे ब्लॉक्स के हम टिप्स को मिलाएं तो इससे हमारे साथ इस तरह का जो ग्राफ है इस तरह का कर्व जो है ये बनेगा ठीक है तो इससे आप जो है ये कंसीडर करें कि हमारे साथ जो सैम्पल है ठीक है सैम्पल का जो डेटा है उससे भी हमारे साथ क्या आता है नॉर्मल कर्व जो है वो बनता है और बिल्कुल नॉर्मल कर्व की तरह ही हमारे साथ डेटा जो है वो क्या हुई है डिस्ट्रीब्यूट हुई है समझ आ गई जी सर। ओके okay, जी गुड। सर। जी जी। ट्री तो वो है ना जो हमने मतलब निकाला है ना मिट्टी तो एक बार बैक करें इसकी पहली पहली लाइन देखिएगा। हम्म <coughs> ये देखें सबसे पहली लाइन है सो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फिनाइट पॉपुलेशन आर कैलकुलेटेड टू बी थ्री थ्री तो आया है ना वो तो हमने निकाला है उसका मीन भी थ्री आया है एंड वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स तो हमारा कहीं आंसर नहीं आया है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी अच्छा अच्छा सही हाँ जी यहाँ पर ये फार्मूला दे के ये जो डेटा आया है ना इस डेटा के अगर इन सब के हम क्या करें इस सब को हम कैलकुलेट करें और इसके एक की जगह हम एक एक वैल्यू लिखे तो इन सब की जब हम आ, डेटा निकालेंगे तो इससे हमारे पास एवरेज क्या आएगा वन पॉइंट सिक्स आएगा ठीक है वन पॉइंट सिक्स आएगा तो इस वजह से हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वन पॉइंट सिक्स है और मीन जो है थ्री है okay. Okay. हाँ. अच्छा जी फिर यहाँ पर ये क्या किया है इन्होंने इस्टिमेशन स्टैंडर्ड एर ऑफ दी लिमिट थियोरम कंसिडर पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन uh, साइज जो है वो लेस दैन थर्टी है विद अ पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएशन इफ रिपीटेड इज डन स्टैंडर्डियशन साम्पल स्टैंडलिंग्रिक्वेंसी हिस्ट्रोग्राम फ्राम दाम्पल मीन वेल बी नॉर्मल एंड शेप अच्छा जी इस दो पॉइंट में आपको ये बताया है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है साम्पल्स पॉपुलेशन जो है कंसीडर पॉपुलेशन जिसकी सैंपल साइज जो है वो लेस देन थर्टी है ठीक है एंड जो है वो लेस देन थर्टी सॉरी मोर देन थर्टी थर्टी से ज्यादा है ठीक है विद अमीन उसका जो मीन और स्टैंडर्ड डिवियशन है इसी तरह से कहते हैं कि अगर हम इस पॉपुलेशन के बहुत सारे सैंपल्स लें ठीक है और उस सैंपल्स के हम क्या करें उस सैंपल्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन करें ठीक है और उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि एक एक नंबर जो है वो कितनी टाइम्स आया है तो उसको अगर हम हिस्टोग्राम के ज़रिए उस डेटा को प्रेजेंट करें तो उससे हमारे साथ सैंपल मीन का एक नॉर्मल बेल शेप बनेगा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है ठीक है क्या कहते हैं नाउ यूजिंग एम्पेरिकल रूल वी नो डेट हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो आ, एक्स बार है ठीक है वो इक्वल है प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ये अब फार्मूले के बारे में आपको बता रहे हैं ठीक है थीके? जो आ, कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला है उसके बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस्टीमेशन का फार्मूला है ठीक है इस्टीमेशन का फार्मूला क्या है इसको दे के ज़रा मैं यहाँ पर लिख कर आपको देता हूँ अच्छा जी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ सो so, आप लोग जो है अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है इस फार्मूले को देखिए ये आपके इस्टीमेशन का फार्मूला है एक्स बार ठीक है एक्स बार मतलब सैम्पल मीन प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है और फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है इसको सब नोट कर लीजिए फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और आपको समझाता हूँ नोट कर लिया सब ने ये मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ ये एस डी है स्टैंडर्ड डिविएशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बार प्लस माइनस वन नाइन सिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन ठीक है by, N. लिख दिया अच्छा जी अब यहां पर आपके जहन में एक पॉइंट आया होगा कि ये वन पॉइंट नाइन सिक्स जो है ये वैल्यू कहाँ से आ गई तो असल में ये वैल्यू जो है जब हम नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल की जी स्कोर टेबल में इसकी वैल्यू देखते हैं तो इससे हमारे पास जब जी स्कोर में वैल्यू देखते हैं तो नाइन्टी फाइव परसेंट की जो जी स्कोर वैल्यू है ये वन पॉइंट नाइन सिक्स के बराबर है इसी तरह से नाइन्टी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो जी जी सर, 95 को हम कैसे वो टोटल ये वैल्यूज तो याद रखनी है देखना नहीं है ये है ही नहीं ये पहले से कैलकुलेट किया गया है ये, और... ये एस्टिमेशन है हाँ जी ये वैल्यू बस आप लोगों ने याद करनी है ठीक है इस वैल्यू को नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस ट्रवल का जो जी स्कोर वैल्यू है वन पॉइंट नाइन सिक्स के है और नाइन्टी नाइन का जो कॉन्फिडेंस टरवल जी स्कोर वैल्यू है वो किसके बराबर है वो आपके पास टू पॉइंट फाइव एट के बराबर है ठीक है टू पॉइंट फाइव एट के बराबर है और प्लस माइनस से मुराद ये है कि एक दफ़ा इसको हम प्लस करेंगे हमारे पास जो वैल्यू होती है और एक दफ़ा माइनस करेंगे ठीक है कर लिया ये जी सर ओके okay. ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि नाइन्टी कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो वैल्यूज मैंने आपको बताया कि हमारे पास नाइन्टी फाइव परसेंट जो है ये किसके बराबर है जी स्कोर वन पॉइंट नाइन सिक्स के बराबर है और जो नाइन्टी नाइन परसेंट है इसका जो जी स्कोर है वो 2.58 के बराबर है एम में आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि 95 परसेंट का जी स्कोर वैल्यू क्या आता है या 99 परसेंट का जी स्कोर वैल्यू क्या आता है ठीक है तो फिर आप लोगों को ये चीज़ याद होने चाहिए और इसके साथ साथ जो इस्टीमेशन फार्मूला है जो कि अभी मैंने आपको बताया ठीक है कि एक्स बार इज एक टू प्लस सॉरी एक्स बार प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन 1.6 क्यों लेते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है ये न हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इस वजह से 1.9695 की जो जी स्कोर है वो यहाँ पर मेंशन की गई है ठीक है तो ये फार्मूला भी याद होना चाहिए स्टूडेंट्स को सो so, हम दोबारा से पीछे चलेंगे तो बेसिकली जो नीचे आपको जो कुछ दिया गया है ठीक है तो ये उस फार्मूले के बारे में आपको बताया जा रहा है सेंट्रल थ्योरम स्टेट डेट ऑन रिपीटिंग सैम्पलिंग वही बात है कि जब हम सैम्पल्स को बार बार रिपीट करेंगे बहुत सारे सैम्पल लेंगे उसका मीन निकालेंगे उसका एवरेज निकालेंगे तो उससे हमारे पास जो एवरेज आएगा तो वो एवरेज नाइन्टी फाइव परसेंट जो है ये हमारे पास क्या होगा नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो ट्रू मीन के बराबर होगा नाइन्टी फाइव परसेंट ठीक है कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है मतलब नाइनटी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट या नाइन्टी नाइन परसेंट का मतलब ये है कि मैं जो है मैं नाइन्टी फाइव परसेंट जो है शोर हूँ कि ये बात जो है बिल्कुल ऐसी है जैसे कि बताई गई है या मैं नाइनटी परसेंट शोर हूँ या नाइन्टी नाइन परसेंट शोर हूँ कि ये बात जो है बिल्कुल ठीक है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको ये शो करती है ठीक है दोबारा से देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं सपोज़ वी वी हैव अ वांट टू मीन कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे साथ पॉपुलेशन है और हम उस पॉपुलेशन का मीन जो है जानना चाहते हैं व्हाट शुड वी डू हम हमें क्या करना चाहिए नी साम्पल्स एंड फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन और हम क्या करेंगे इस पॉपुलेशन के बहुत सारे साम्पल छोटे साम्पल बनाएंगे और इसी सैम्पल्स के जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है सैम्पल में हमारे साथ जो कॉमन डेटा आया होता है तो उसकी पॉलीगॉन बनाएंगे ठीक है देन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थियोरम के मुताबिक दिज मीन वेल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो ये सैम्पल मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही फॉलो करेगी जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीन लाइन में इट मीन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पॉपुलेशन मीन तो साम्पल मीन जो है ये बिल्कुल पॉपुलेशन मीन के बराबर ही आएगी और इट्स की स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ डिशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे नाउ वी से दैट वी कंस्ट्रक्ट 95% परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन इट विल कंटेन 95% परसेंट ऑफ सैंपल मीन इसमें हमारे साथ 95% परसेंट जो है सैंपल मीन होगा वी कैन से दैट 95% परसेंट सैंपल मीन इफ़ वी कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस एनी सैंपल मीन इट the population मीन तो जब हम 95% फाइव परसेंट सैम्पल मीन को हासिल कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 95% फाइव परसेंट हमारे पास जो सैपल डेटा आया है ये बिल्कुल सेम है पॉपुलेशन मीन के ठीक है मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट टी के और फाइव परसेंट जो है इसमें शक व शुबात है तो इसका मतलब ये होगा ठीक है अच्छा जी ये नॉन नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल का जैस डायग्राम आपको जो है वो शो किया गया है ठीक है इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू होती है तो ट्रू वैल्यू के आसपास आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि उससे बहुत ज़्यादा बड़े भी होंगे बहुत ज़्यादा छोटे भी होंगे और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल उसके आसपास बहुत क्लोज़ होंगे ठीक है तो ये आपको शो कर रही है नाइन्टी अच्छा जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है अब इस एग्ज़ाम्पल को देखिए हम नोमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ठीक है थीके? कहते हैं कि वी विश टू एस्टिमेट मीन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपटेक फॉर जॉगर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो जॉगिंग करने वाले लोग हैं वो जॉगिंग के दौरान कितनी एवरेज ऑक्सीजन को यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं तो उसको हम मालूम करना चाहते हैं तो रेंडम साम्पलिंग हमने हंड्रेड जॉगर्स की कि मतलब हंड्रेड जॉगर्स को हमने क्या किया उनको हमने सेलेक्ट कर लिया एक्सैंपल के तौर पर इनकी जो मीन है ठीक है इनकी जो मीन है वो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव एम एल पर के जी है और इनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फोर्टी सॉरी फोर पॉइंट एट एम एल पर के जी है नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू है हमारे साथ ठीक है तो इन डेटा को आपने क्या करना है पुट करना है और हमने क्या करना है सबर करें साम्पलिंग ऑफ हंड्रेड जोगर्स ठीक है अच्छा जी एन आपके पास क्या है एन जो है एन की वैल्यू आपके पास मिसाल के तौर पर हंड्रेड है ठीक है हंड्रेड है और इसी तरह से मीन वैल्यू आपके पास क्या है एक्स बार वैल्यू आपके पास फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव है ठीक है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपके पास क्या है फोर पॉइंट एट है तो इसी डेटा को अब हम पुट करेंगे उसी फार्मूला में जो कि आप अच्छा अब... जी ये तो मैंने दोबारा मिटा दिया So, यहां पर मैं अपने लिए लिख देता हूं आप लोगों ने यह डेटा लिख लिया है कि नहीं एन हमारे पास किसके बराबर है हंड्रेड के बराबर है ठीक है हंड्रेड के बराबर है इसी तरह से सैम्पल मीन मतलब एक्स बार किस के बराबर है एक्स बार फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव के बराबर है फिर इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर है स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास फोर पॉइंट एट के बराबर है तो इसको अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे फार्मूला में सो so यहाँ पर आते हैं ठीक है ये आप ये डेटा काइंडली आप लोग अपने साथ नोट कर लीजिए फिर आपने मुझे बताना चर, है ओके गुड अब इसको देखिए इसको अगर आप लोगों ने अंडरस्टेंड कर लिया तो फिर कोई भी टेंशन आपके लिए नहीं होगी ठीक है फार्मूले के हवाले से सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम फार्मूला पुट करेंगे x बार प्लस माइनस क्या है 1.95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना तो 95 चलो मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए एक स्टेप मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय

9, 6, है? 9, इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या है फोर पॉइंट एट है हाँ जी हाँ जी ठीक है अच्छा जी फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव ये होगा ठीक है और अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन में हम क्या लिखेंगे हंड्रेड लिखेंगे यहां तक लिख लिया अच्छा जी अब देखे दोबारा से अब मैं इसको कैलकुलेट करके इसको मैं करता हूँ ठीक है अच्छा जी एक्स बार की जगह वही फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ गया ठीक है इसी तरह से प्लस माइनस इसी तरह से फोर प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट एट और अंडर रूट हंड्रेड का अगर हम स्क्र uh, लेते हैं ठीक है तो हंड्रेड तो इसलिए टेन और स्क्र आ जाएगा अंडर रूट जो है स्क्वेयर के साथ कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ टेन रह जाएगा ठीक है सो अब हम क्या करेंगे अब हम इस टेन को ऊपर ले जाएंगे सॉरी फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लस माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है ये हमने कर लिया तो फोर पॉइंट एट को जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे टेन पर ठीक है या अंडर रूट टेन पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी इससे हमारे पास जीरो पॉइंट इससे हमारे पास जीरो पॉइंट फोर एट वैल्यू आएंगी ठीक है ज़ीरो पॉइंट फोर एट वैल्यू आएंगी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट फोर एट अच्छा जी अब ज़ीरो पॉइंट फोर एट को जब हम वन पॉइंट नाइन सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फोर सेवन पॉइंट फाइव प्लस माइनस आपके पास क्या वैल्यू आएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट नाइन फोर जीरो एट आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फोर जीरो एट आ जाएगा ठीक है सो जीरो पॉइंट नाइन फोर जीरो एट तो अब जीरो पॉइंट नाइन फोर को ये एट यहाँ पर कट गया वन आ गया वन कट गया तो ये आपके पास जीरो पॉइंट नाइन फोर आ गया तो फोर सेवन पॉइंट फाइव के साथ एक टाइम जीरो पॉइंट नाइन फोर को प्लस करेंगे और एक टाइम माइनस करेंगे तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पर आप देखें मजीद हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर हम इसकी जो वैल्यू थे उसको देखेंगे ठीक है देखिए जीरो पॉइंट नाइन फोर आया था तो वन टाइम जब हमने प्लस किया तो इससे हमारे साथ क्या वेल्यू आ गई जब जीरो पॉइंट नाइन फोर को हमने फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव के साथ प्लस किया तो इससे फोर्टी एट पॉइंट फोर फोर आई और जब हमने एक बार माइनस किया तो फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स आ गई ठीक है तो फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स से लेकर 48.44 एट पॉइंट फोर फोर तक ये हमारे पास क्या है एक रेंज है तो so इसका मतलब क्या है ऑन ऑन रिपीटेड सैम्पलिंग अगर हम बार बार इस सैम्पलिंग करें ठीक है इफ़ वी कंस्ट्रक्ट हंड्रेड सच इंटरवल अगर इस तरह के हम सौ दफा सैंपल लें तो सौ दफ़ा सैम्पल लेने के बाद हमारे पास एक टाइम डेटा ऐसे आएगा जो कि हमारे साथ नाइन्टी फाइव परसेंट पॉपुलेशन मीन के क्या होगा बराबर होगा और नाइन्टी फाइव परसेंट पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल सिमिलर होगा तो वही बात जो है आपको यहाँ पर क्लियर करके जो है वो मिल जाती है कि नाइन्टी फाइव परसेंट डेटा जो है अगर हम पॉपुलेशन के जो साम्प पॉपुलेशन है उसके बहुत सारे सैंपल ले और उन सैंपल्स का हम मीन निकाले उन सारे मीन को फिर हम कैलकुलेट करें उसका एवरेज निकाले तो नाइन्टी फाइव परसेंट डेटा जो है हमें उससे मिल जाएगा जो कि पॉपुलेशन के बिल्कुल सिमिलर होगी ठीक है समझ आ गई इसकी जी सर।, सर, अच्छा जी अब यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी मेथड से करना है लेकिन यहाँ पर अब आप... फोटी नाइन स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं जिनकी मीन हाइट जो है वन सेवेंटी है और स्टैंडर्ड डिवियशन सेवन है और कॉन्फिडेंस इंटरवल वही नाइन्टी फाइव है ठीक है सो so आपने क्या करना है आपने बिल्कुल उसी फार्मूले को लिख देना है और फिर आपने जस्ट पोटिंग करनी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन सेवेंटी एक्स बार की जगह वन सेवनटी लिखा है प्लस माइनस साइन नाइन्टी फाइव का जो जी स्कोर है वो वन पॉइंट नाइन सिक्स है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवियशन सेवन है डिवाइडेड बाय अंडर रूट फोर्टी नाइन ठीक तो है तो अंडर रूट फोर्टी नाइन है तो फोर्टी नाइन का हम जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा मतलब फोर्टी नाइन कैसे आता है सेवन सेवन फोर्टी नाइन तो सेवन स्क्र लिखेंगे ठीक है तो वो सेवन स्क्र कैसे आएगा मतलब अंडर रूट सेवन स्क्र तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कट जाएगा सिर्फ सेवन रह जाएगा तो इस Uh, इस सेवन को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सेवन के साथ तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी वन आएंगी तो वन पॉइंट नाइन सिक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन पॉइंट नाइन सिक्स ही आएगा तो एक बार हमने वन पॉइंट नाइन सिक्स को प्लस किया तो इससे हमारे पास वन सेवेंटी वन पॉइंट नाइन सिक्स वैल्यू आई एक बार माइनस किया तो वन सिक्सटी एट पॉइंट फोर ज़ीरो फोर वैल्यू आ गई तो इसको अगर हम दोबारा बार बार इसकी सैम्पलिंग लेंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारे पास सेम्पल में नाइन्टी फाइव परसेंट डेटा ऐसी होगी जो कि पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल सिमिलर होंगी और सेम होंगी तो इस तरह से आपके पास जो है आपका जो डेटा है पॉपुलेशन मीन का जो डेटा है वो सैंपल मीन के जरिए आप निकाल सकते हैं सर हमें जो कस्टम दिया जाएगा में, उसमें हमें मतलब वैल्यूज दी जाएंगी फार्मूला हमें याद होना चाहिए हमने पुट करनी है और जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो उनमें जो पॉपुलेशन मीन है वो हमेशा होगा बिल्कुल बिल्कुल यही बात है आप... तो दिया हुआ पीछे वो हमें स्नैरियो दिया हुआ होगा ना सर बिल्कुल आपको सिनेरियो सिनेरियो जो है वो दिया गया होगा और उसमें आपको डेटा दिया होगा कि मीन इतना है स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी है सैंपल साइज जो है वो इतनी है, है एक सवाल जो है कि हम जब ये वैल्यूज निकाल लेते हैं फार्मूले में पुट करके तो हमारा आंसर ये वैल्यूज तो नहीं आना हमारा कंक्लूजन तो वही है कि पॉपुलेशन मीन 95% है तो हम चाहे फार्मूले में ये वैल्यू ना पुट करें तब फिर

पॉपुलेशन मीन तो आपने हर क्वेश्चन के आंसर में यही बताया ना कि 95% 95% तो अगर हम ये फार्मूला सॉल्व भी ना करें तो देखिए आपको डेटा दिया गया होगा उस डेटा में हो सकता है आपको पॉपुलेशन मीन बताया हो कि आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो 170 है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डेटा आपके पास 171 आया है मतलब यहाँ पर 171 ठीक है 0.96 और दूसरा डेटा जो है वो यहाँ पर आया है 168 पॉइंट जीरो फोर सो वन सिक्सटी एट से लेकर वन सेवेंटी वन तक मतलब आपके पास ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया ठीक है तो 168 से लेकर 171 तक ये एक रेंज है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है ये 168 से लेकर 171 के दरमियान में कोई किसी जगह पर मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे तो so 95 परसेंट इसने डेटा कवर जी मतलब है इसका मतलब है कि आपके फार्मूले में जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और उनमेंटी हाँ हाँ. सेंटीमीटर दिया गया ना क्वेश्चन में तो फार्मूले में सोल्यूशन निकाला है वो भी वन सिक्सटी एट और वन सेवन वन यानी वो जो वैल्यूज है वो वन सेवेंटी के बराबर है तब इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आया है हाँ जी बिल्कुल 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 यही मतलब है तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है इसको हल करना है अब यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको दोबारा दिया गया है लेकिन यहाँ पर उन्होंने कॉन्फिडेंस ट्रवल कितना लिया है नाइन्टी नाइन परसेंट लिया है तो नाइन्टी नाइन परसेंट का जो जी स्कोर वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए जो कि किसके बराबर है टू पॉइंट फाइव एट के बराबर है टू पॉइंट फाइव एट के बराबर है ठीक है तो वन पॉइंट नाइन सिक्स के बजाय अब आप क्या लिखेंगे टू पॉइंट फाइव एट लिखेंगे ठीक है और बाकी वही मेथड है जो कि हमने किया है आप देख सकते हैं ये देखें टू पॉइंट फाइव एट उन्होंने लिखा है और हमारे पास जो आ, आ, डेटा है बाकी वही है कि सेवन है तो सेवन सेवन कट गया तो इसको एक बार हम टू पॉइंट फाइव एट के साथ प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे जब डेटा आएगी तो हमारे पास क्या आएगा इस तरह से आएगा वन सिक्सटी सेवन से लेकर वन सेवनटी टू पॉइंट फाइव एट तक हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया तो इसका मतलब यह है कि नाइन्टी नाइन परसेंट हमारे पास डेटा जो है ऐसा है जिसमें हमारे साथ पॉपुलेशन मीन जो है वो आती है ठीक है तो इस तरह से आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं है, सर कोई कंफ्यूजन है इसमें ओके okay, जी ये वही एग्जाम्पल है अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ठीक है तो ये आपका यूनिट नंबर सिक्स था उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी और अगर कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा आप लोगों का जी पी ए जो है थ्री से ऊपर आना चाहिए जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है माशाल्लाह से सबकी जी पी ए जो है थ्री से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ऊपर आया हुआ है तो उम्मीद तो यही है कि आप स्टूडेंट्स के लाजमी तौर पर आएगा लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है अगर मैं आप स्टूडेंट्स को टू आवर्स जो है पढ़ाता हूँ तो आप लोगों ने खुद से एक घंटा लाजमी पढ़ना है अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो फायदा भी आपको ज्यादा ही होगा ठीक है